हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम्स एंड वैक्यूल्स। पेरोक्सिसोम्स काफी छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको पहले माइक्रोबॉडीज कहा जाता था। इसके अंदर डिफरेंट ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो विभिन्न तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं। हमने देखा कि जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। ये स्फेरिकल बॉडीज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ये सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनकी साइज 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर होती है और ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं ये फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनल हैं जो साइटोप्लाज्म में तैरते हुए रहते हैं और यह क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं किससे, ईआर से, माइटोकॉन्ड्रिया से, क्लोरोप्लास्ट से विद इन द सेल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पेरोक्सिसोम्स हैं यह काफी सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल हैं। हिस्ट्री हम देखें तो सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था जे रोडी ने इन 1954 में। इसके बाद इसको 1967 में बेल्जियम साइंटिस्ट के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया। उन्होंने इसका नाम पेरोक्सिसोम रखा। तो डी ड्यूवे एंड हिज कोवर्कर्स डिस्कवर्ड दैट कि जो पेरोक्सिसोम होता है इसके अंदर डिफरेंट ऑक्सीडेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, विभिन्न तरह के ऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा यहीं पर कैटेलेज एंजाइम भी पाया जाता है जो H2O2 का डिकम्पोजिशन करता है वाटर एंड ऑक्सीजन में। सो ड्यू टू देयर रोल इन परऑक्साइड मेटाबोलिज्म डी ड्यूवे ने इसका नाम पेरोक्सिसोम रखा और जो अर्लियर इसका जो नाम था माइक्रोबॉडीज उसको रिप्लेस किया और इसका नाम पेरोक्सिसोम रखा। स्ट्रक्चर हम देखें तो यह लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन द्वारा एक घिरा हुआ स्फेरिकल बॉडी होती है जिसकी साइज 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर होती है। ये एक सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनल होता है जो ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट से क्लोजली एसोसिएट होता है। इसकी हम देखें कि इसकी जो साइज होती है और जो शेप है वह सेल के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। इसके अलावा इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो पेरोक्सिसोमल एंजाइम्स जो होते हैं 60 तरह के नॉन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सिसोम की मैट्रिक्स में जो विभिन्न तरह की ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को करते हैं। तो और विभिन्न तरह की जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं उसके द्वारा हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन, H2O2 का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो जो मुख्य जो एंजाइम्स यहाँ पर हैं वह हैं यूरेट ऑक्सीडेज, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटेलेज। नाउ हम फंक्शंस हम पेरोक्सिसोम्स का देखें तो मेनली जो इसका फंक्शन है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड के मेटाबोलिज्म से है। तो पेरोक्सिसोम्स के अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं और विभिन्न तरह के जो कार्बनिक पदार्थ तो होते हैं उनमें से हाइड्रोजन का रिमूवल करवाते हैं और H2O2 का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न तरह के जो एंजाइम्स होते हैं जैसे यूरिक एसिड ऑक्सीडेज या अन्य तरह के एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम्स इसमें पाए जा रहे हैं। तो कई तरह के जो एंजाइम्स होते हैं उसके द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ है उनमें से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर यूज होती है और H2O2 का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो H2O2 है ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है, ऑक्सीडेटिव स्पीशीज होती है। तो ये अन्य विभिन्न तरह के कार्बनिक पदार्थों जैसे फॉर्मिक एसिड है, फिनोल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, एल्कोहल है, तो उनको भी यह उनको कन्वर्ट करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वह है कैटेलेज एंजाइम। कैटेलेज एंजाइम यहाँ पर यूज होता है। सो H2O2 प्लस RH2 कैटेलेज एंजाइम यहाँ यूज होगा तो जो H2O2 है यह कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस ऑक्सीजन में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि H2O2 का फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो रहा है और H2O2 का रिमूवल भी यहाँ पर हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो H2O2 है ये यूटिलाइज हो जाता है बाय कैटेलेज एंजाइम
और विभिन्न तरह के जो सब्सटेंसेस है उनका ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो जाता है। आप यहाँ देखिए कि H2O2 द्वारा इस कार्बनिक पदार्थ का, ये कार्बनिक पदार्थ कुछ भी हो सकता है, फिनोल्स हो सकता है, फॉर्मिक एसिड होता है, तो उनका ऑक्सीडेशन यह करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैटेलेस आंसू कन्वर्ट एक्सिस H2O2, ज्यादा मात्रा में H2O2 होता है तो ये सेल के लिए टॉक्सिन होता है, तो उसको भी कन्वर्ट करता है। इसके अलावा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, तो यह फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पर होता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से भी इसका संबंध होता है। देन लिपिड बायोसिंथेसिस, तो हम ये देखते हैं कि विभिन्न तरह के कोलेस्ट्रोल्स हैं या बाइल एसिड है, इसका सिंथेसिस भी पेरोक्सिसोम में होता है। तो मुख्यतः कोलेस्ट्रोल जो होता है वहाँ उसका फॉर्मेशन लीवर में इसके द्वारा होता है, पेरोक्सिसोम द्वारा। तो बाइल एसिड फॉर्मेशन और कोलेस्ट्रोल फॉर्मेशन इन लीवर बाय पेरोक्सिसोम सेल ऑर्गेनेल। इसके अलावा पेरोक्सिसोम्स जो होता है इसके अंदर प्लाज्मोलोजेंस जो होता है उसका भी फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मोलोजेन क्या है, एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है जो एबंडेंट पाया जाता है माइलिन में। इस प्रकार हम देखते हैं कि माइलिन जो होता है इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन कंपोनेंट होता है इसमें, हार्ट और ब्रेन के टिश्यूज में। तो हम देखते हैं कि प्लाज्मोलोजेंस का फॉर्मेशन भी पेरोक्सिसोम में होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्य मुख्य पेरोक्सिसोम्स के फंक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ H2O2, ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स बाय बीटा ऑक्सीडेशन, फोटो रेस्पिरेशन में भी इसका काम होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन है, आप यहाँ पर देखिए फोटो रेस्पिरेशन, तो फोटो रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेस एंजाइम पाया जाता है जो फोटो रेस्पिरेशन से संबंधित होता है। हम ये देखते हैं कि जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें जब फोटोसिंथेसिस होता है साथ में फोटो रेस्पिरेशन भी साथ में होता है, तो उससे जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोडक्शन है उसके जो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है तो 25% तक की जो कमी होती है फोटो रेस्पिरेशन के कारण होती है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं होता है। नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, हम ये देखते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में भी इसका रोल होता है। तो यह सीड्स के अंदर जो स्टोर फैटी एसिड होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, तो सीड के जर्मिनेशन के लिए जो एनर्जी होती है वह इसके द्वारा मिलती है। इसके अलावा डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन्स एंड पॉलीएमीन्स एंड एमिनो एसिड्स स्पेशली बाय यूरिक एसिड ऑक्सीडेज। इसके अलावा हम देखते हैं कि बायोल्यूमिनेसेंस में भी इसका रोल होता है। तो ल्यूसिफरेज एंजाइम जो होता है यह पाया जाता है फायरफ्लाइज में, जो जुगनू जिसे हम कहते हैं, तो उनकी पेरोक्सिसोम्स में ल्यूसिफरेज एंजाइम पाया जाता है जो बायोल्यूमिनेसेंस का काम करता है। इस प्रकार रात में हमें जुगनू चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे पेरोक्सिसोम्स के। नेक्स्ट हम जो सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे वह है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स में जो वैक्यूल्स होती हैं काफ़ी बड़ी होती हैं जबकि एनिमल्स में या तो ये अनुपस्थित होती हैं या बहुत ही छोटी यह पाई जाएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी साइज जो वॉल्यूम है सेल का वो इसने घेर रखा है वैक्यूल ने। तो जो मैच्योर सेल्स होती हैं उसमें तो 90% तक सेल का जो वॉल्यूम होता है वह वैक्यूल द्वारा कवर्ड कर लिया जाता है। तो जो वैक्यूल होता है इसके अंदर सेल सैप पाया जाता है जिसके अंदर विभिन्न तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एंथोसाइनिन, एंथोक्लोर पिगमेंट्स होते हैं, शुगर, ऑक्सीजन, CO2 पिगमेंट्स जैसे हमने देखा, मिनरल सॉल्ट्स काफ़ी मात्रा में सेल सैप के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जो प्रारंभिक जो सेल होती है उसके अंदर वैक्यूल्स छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाती है वैक्यूल की साइज भी बढ़ जाती है। अगर हम देखें तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जिसको स्टार्स फर्स्ट कहा था, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था स्प्लेंजानी ने 1776 इन प्रोटोजोवा, और इसको उसने उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल समझ लिया था। डुजार्डी ने इनको वैक्यूल्स कहा।
इन 1842 स्लीडन अप्लाइड द टर्म फॉर प्लांट सेल्स, वैक्यूल्स को अंदर, वैक्यूल को प्लांट सेल्स के अंदर स्टार्च को वैक्यूल जो कहा वह किसने, स्लीडन ने कहा था, टू डिस्टिंग्विश द स्ट्रक्चर विद सेल्स से फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। इन 1885 डी व्रीज ने वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, जिसे टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं, ये भी एक सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। तो इसका जो टोनोप्लास्ट नाम है वो डी व्रीज द्वारा दिया गया था। हमने ये देखा कि जो मैच्योर प्लांट सेल्स हैं उसके अंदर 30 से लेकर 80% तक का जो है, या 90% तक का जो वॉल्यूम है वह सेल इसके द्वारा घिरा हुआ होता है, वैक्यूल का, वैक्यूल द्वारा। तो यह विभिन्न तरह के सेल टाइप्स और कंडीशन पर डिपेंड करती है कि वैक्यूल की साइज उसमें क्या होगी। इस प्रकार हम देखते हैं जो वैक्यूल होती है वह मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, जिसको हम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं, और वैक्यूल के अंदर सेल शेप होता है। हम इसके अंदर विभिन्न तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे मिनरल सॉल्ट्स हैं, शुगर है, ऑर्गेनिक एसिड है, पिगमेंट्स हैं, तो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी इसमें पाए जाते हैं, जो विभिन्न पदार्थों का ऑटोलाइसिस करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स भी, टैनिन है, एल्कलोइड्स हैं, लेटेक्स इसमें पाया जाता है। इसमें हम देखें तो वैक्यूल्स के जो मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक्वापोरिन्स पाए जाते हैं। तो एक्वापोरिन्स क्या करते हैं कि जो फ्लो ऑफ वाटर है अंदर और बाहर, पानी क्या आएगा जाएगा उसको नियंत्रित करते हैं एक्वापोरिन। इसके अलावा पोटेशियम आयन का पंपिंग भी सेल के अंदर, मतलब वैक्यूल से अंदर और बाहर जो पोटेशियम आयन का पंपिंग है वह भी इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वैक्यूल है यह बाहर की ओर काफी पीएच जो होता है हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्टेशन करता है इसमें सेल के अंदर। तो इस प्रकार से सेल की जो पीएच होती है उसको भी यह मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा द लो पीएच ऑफ द वैक्यूल आल्सो अलाउ डिग्रेडेटिव एंजाइम्स टू एक्ट। हम ये देखते हैं कि विभिन्न तरह के पदार्थ इसके अंदर स्टोर रहते हैं। तो इसके अलावा जो मुख्य रोल होता है वैक्यूल का वह है टू मेंटेन टर्जर प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। तो टर्जर प्रेशर मेंटेन करने का काम इसका होता है। दूसरा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाने का काम, बनाए रखने का काम भी वैक्यूल्स का ही होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के कारण क्या होता है कि जो पानी होता है वो वैक्यूल्स के अंदर आ जाता है, और जो सेल्स होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वैक्यूल्स का जो सेल्स सेप होता है यह इसका ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, या हम कहें वो ज्यादा होता है, तो इस वजह से पानी जो होता है बाहर से अंदर की ओर आता है। तो जैसे जैसे वैक्यूल बढ़ती है तो ये सेल वॉल पर प्रेशर क्रिएट करती है और टर्जर प्रेशर मेंटेन करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि टर्जर प्रेशर जो होता है सेल के इलोंगेशन के लिए, सेल वॉल इलोंगेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि एक्सपेंशन से एक प्रोटीन पाया जाता है जो सेल वॉल के बढ़ाने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके अलावा जो वैक्यूल्स के टर्जर प्रेशर है वह भी सेल वॉल के एक्सपेंशन के लिए जरूरी होता है। इस प्रकार देखते हैं हम कि जो टर्जर प्रेशर वैक्यूल के द्वारा क्रिएट किया जाता है वह प्लांट्स को अपराइट पोजीशन में रखने का काम करता है। अब इसके जो मुख्य फंक्शन है उसको हमने एक लिस्टिंग की है। सबसे पहले आइसोलेटिंग मटेरियल्स दैट माइट बी हार्मफुल और थ्रेट टू द सेल। कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको आइसोलेट करना सेल से इसका काम होता है वैक्यूल का। इसके अलावा कई जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वह इसके अंदर पाए जाते हैं। वाटर जो होता है कंटेनिंग वाटर, प्लांट सेल का जो अधिकतर जो पानी होता है वो किसमें होता है, वैक्यूल्स में ही होता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या टर्जर प्रेशर ये मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा जो इंटरनल पीएच है सेल का वह भी यह मेंटेन करके रखता है। इस प्रकार से विभिन्न तरह के अनवांटेड सब्सटेंस हैं उसको भी एक्सपोर्टिंग करने का काम यह करता है। इसके अलावा अलाउज प्लांट्स टू सपोर्ट स्ट्रक्चर सच एज लीव्स एंड फ्लावर्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ सेंट्रल वैक्यूल। बाय इंक्रीजिंग इन साइज, वैक्यूल की साइज बढ़ने से क्या होता है कि ये प्लांट्स के जर्मिनेशन में या अन्य ऑर्गन जैसे लीव्स हैं इनको क्विकली बढ़ने के लिए भी यह हेल्प करता है। इसके अलावा जो कई सीड्स होते हैं उनके अंदर
स्टोर प्रोटीन पाया जाता है नीडेड फॉर जर्मिनेशन, तो वो जो प्रोटीन पाया जाता है वह प्रोटीन बॉडीज के अंदर पाया जाता है स्टोर प्रोटीन, और जो प्रोटीन बॉडीज होती हैं यह वैक्यूल्स का ही मॉडिफाइंग रूप है, मॉडिफिकेशन है। सो जर्मिनेशन में ये हेल्प कर रहा है वैक्यूल, तो इस प्रकार से इसके यह कुछ मुख्य फंक्शन है। तो आज अपन ने वैक्यूल पढ़ा, इसके अलावा हमने प्रोक्सीसोम पढ़ा, तो आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDP GGC कोटा। धन्यवाद।